उत्तराखंड से जहां चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि शिवरात्रि के मौके पर यानी कि 8 मार्च को घोषित होगी। वहीं बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के उखी मठ से कैलाश रवाना होने की तिथि घोषित होने की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। तिथि पंचांग गणना के अनुसार विद्वान आचार्यों, बद्री केदार मंदिर समिति के पदाधिकारियों, अधिकारियों व हकहकूधारियों की मौजूदगी में घोषित की जाएगी और ओकारेश्वर मंदिर को 8 कुंतल गेंदे के फूलों से सजाया गया है तथा मंदिर के पदाधिकारियों ने उखी मठ की ओर से ये रुख कर दिया है। तो चार धाम की यात्रा की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। उत्तराखंड में जहां पर केदारनाथ की यात्रा की तैयारियां जो हैं वो 8 मार्च को बताया जा रहा है कि घोषित होंगे कि कब कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चल रही हैं। पंचांग गणना के बाद ये घोषित की जाएगी तिथि और ओकारेश्वर मंदिर में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मंदिर को 8 कुंतल फूलों के से सजाया जाएगा, यानी भव्य रूप से तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा के लिए जो है वो तैयारियां पूर्ण जोर से जारी हैं, जहां पर 8 मार्च को केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि जो है वो घोषित की जाएगी, लेकिन उससे पहले तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। पंचांग गणना के बाद ये तिथि घोषित की जाएगी, जहां पर ओकारेश्वर मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि मंदिर को 8 कुंतल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण नेगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लक्ष्मण, तैयारियां पूर्ण जोर पर चल रही हैं और क्या कुछ अपडेट? द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी व पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने व पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल उखी मठ से कैलाश रवाना होने की तिथि कल महाशिवरात्रि पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार घोषित कर दी जाएगी। मंदिर समिति के द्वारा ओंकार शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर को 8 कुंतल गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उखी मठ की ओर रुख कर दिया है और विभिन्न क्षेत्रों के दानियों ने और भक्तों ने भी उखी मठ की ओर रुख कर दिया है। वहीं आगामी मई माह में शुरू होने वाली केदारनाथ या चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन और प्रदेश सरकार ने भी कमर कस दी है। जिलाधिकारी द्वारा और पुलिस अधीक्षक द्वारा बार बार गौरीकुंड और केदारनाथ तक यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भ्रमण किया जा रहा है। अधिकारियों को यात्रा व्यवस्थाएं टाक चौबंद के करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ठीक है लक्ष्मण, और जो श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर निकलेंगे उनका क्या कुछ कहना है? जो तैयारियां चल रही है, जिस तरीके से धामी सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाए तमाम श्रद्धालुओं को। देखिए, विगत कुछ समय से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण विगत 2 वर्षों में यात्रा ने बहुत तीव्रता गति से चारधाम यात्रा में आए हैं यात्रियों को। प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं को, तीर्थ यात्रियों को सुख सुविधा प्रदान देने के भरसक प्रयास तो किए जाते हैं, मगर बार बार मौसम के करवट लेने से तीर्थ यात्रियों को कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तीर्थ यात्रियों का भी यही मानना है कि इस बार भी प्रशासन और प्रदेश सरकार अच्छी व्यवस्थाएं केदारनाथ धाम या अन्य चार धामों में तीर्थ यात्रियों को मुहैया कराएगी, मगर कहीं ना कहीं मौसम जो बार बार करवट ले रहा है उसमें यात्रा बाधित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भले पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है वो तीर्थ यात्रियों को टाक चौबंद व्यवस्थाएं देने के भरसक प्रयास कर रही है। और लक्ष्मण नेगी वहां पर मौजूद है, आपने लोगों से भी बातचीत की होगी, तो लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके का उत्साह चार धाम की यात्रा को लेकर? चार धाम की यात्रा को आगामी मई माह में चार धाम यात्रा को शुरू होने से पहले ही स्थानीय व्यापारियों में, तीर्थ पुरोहित समाज में, स्थानीय जनता में भारी उत्साह बना हुआ है। तीर्थ यात्रियों या स्थानीय जनता का कहना है कि विगत 2 वर्षों में जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ नई तीर्थ यात्रियों का चार धाम आने का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, इस बार भी वही कीर्तिमान स्थापित होगा, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय में इजाफा होने के साथ यानी केदारनाथ की तैयारियां जोरों पर है। उत्तराखंड में चार धाम की जो यात्रा है उसके लिए तैयारियां पूर्ण जोर पर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।